सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज मैं छूँगा ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो यार इतने दिन बाद आ चुके हैं, तो यार बहुत दिन से माइनक्राफ्ट वीडियो नहीं बना रहे थे। तो मैंने सोचा यार कि मतलब मैं ऐसे बैठा ही हूँ, तो इतने दिनों से माइनक्राफ्ट का चैनल थोड़ा सा चेक करता हूँ। तो यार मैंने चेक किया तो भाई मतलब लेटेस्ट मतलब जो सबसे डला हुआ वीडियो था उस पर गाइस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और मतलब 400 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने देखा तो मैं भाई शॉक हो चुका था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द 400 व्यूज़ ऑन दैट वीडियो। तो यार यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा डाई शिप करने का रहता है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, सारे शिपों को डाई करेंगे। तो सबसे पहले गए आप लोग बोलोगे भाई कि शाकुब भाई हमारे को तो पता नहीं है कि हम कैसे करें, क्योंकि हम पहली बार क्यूब क्राफ्ट खेल रहे हैं। मतलब बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता कि डाई कैसे करते। तो यहाँ पर से ये येलो कलर का मिलता है, येलो डाई, जिससे येलो डाई बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर से येलो उठा लेना। तो इसका नाम क्या लेते देखते हैं, इसका नाम है आपका डैंडेलायन, मतलब डैंडी लायन। ठीक है, और ये वाइट वाला भी यहाँ पर आपको डैंडी लायन मिल जाएगा। आप लोग बोन मिल अगर मारोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये डैंडी लायन मिल गया, और यहाँ पर रेड भी मिल जाएगा, जिससे आपका रेड फ्लावर होगा उसको आई थिंक सो कहते हैं, क्या कहते हैं इस पर उठा लेते हैं। और इसको कहते हैं, लेट्स सी क्या कहते हैं इसको भाई, इसको कहते हैं पॉपी, पॉपी मतलब पप्पी नहीं, पॉपी पॉपी। ठीक है, तो पॉपी कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारा दूसरे वाले डाई पे, यहाँ पर से रेड डाई बन जाएगा, यहाँ पर रेड डाई और इसको मिला के ऑरेंज डाई बनता है। ठीक है, दो फ्लावर को मिला के ऑरेंज डाई बनता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेस्ट रहता है आई थिंक सो कहाँ गया, ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेस्ट रहता है ऑरेंज, ऑरेंज तो बन गया। अब रहता है मजेंटा, मजेंटा डाई कैसे मिलेगा, फटाफट ढूंढते हैं मजेंटा डाई कैसे बनेगा। सर का अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी आपका डाई का मैं मैसेज कर देता हूँ अगर। ठीक है, क्योंकि यार जल्दी में वीडियो बनाना रहता है बहुत सारी, अभी मतलब डाई वगैरह भी करनी है, तो भी वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा रहता है नेक्स्ट मजेंटा डाई। ठीक है, तो मजेंटा डाई के लिए हमारे को लाइक आई थिंक सो पर्पल डाई और पिंक डाई मिलाकर करना रहता है। तो पर्पल डाई आई थिंक हमारा बनता है रेड और ब्लू से, मतलब लैपिस और रेड डाई से, और पिंक डाई बनता है आई थिंक रेड डाई और बोन मिल मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर आपका पिंक डाई बनता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर बोन मील और हमारा रेड डाई लगेगा, जिससे हमारा बनेगा पिंक डाई। करेक्ट है, तो फटाफट हम यहाँ पर हमारा हो चुका है, तो हम फटाफट मजेंटा डाई बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक पिंक डाई लगाते हैं और एक पर्पल लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा मजेंटा बन जाएगा। तो फटाफट मजेंटा डाई हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 मतलब 20 हो गया। ठीक है, फटाफट यहाँ पर मजेंटा डाई भी रख देते हैं। तो हमारा मजेंटा डाई के बाद हमारा कौन सा डाई रहता है, आई थिंक सो हमारा ब्लू डाई रहता है, नहीं हमारा लाइट ब्लू डाई रहता है। यहाँ पर मजेंटा डाई रख देगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा आई थिंक सो लाइट ब्लू डाई है। ठीक है, तो लाइट ब्लू डाई हमारे को कहाँ से मिलेगा, लाइट ब्लू डाई मिलेगा हमारा लैपिस और बोन मिल मिलाकर। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो मैं नीचे में आई थिंक कमेंट सेक्शन पर डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख दूंगा कि कौन सा डाई कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लाइट ब्लू डाई बन गया। तो हमारा उसके बाद दूसरा क्वेस्ट क्या रहता है, फटाफट देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेस्ट है, मतलब क्वेस्ट का दूसरा हमारा येल्लो डाई। येल्लो डाई आप लोगों को तो स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि हमारा येल्लो डाई बनेगा आई थिंक सो डैंडी लायन से। यप, डैंडी लायन से बनेगा हमारा येल्लो डाई। ठीक है, तो हमारा येल्लो क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया, मतलब जो चौथा क्वेस्ट था। तो यहाँ पर हम 32 रख देते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेस्ट है, लेट्स सी, फटाफट क्वेस्ट पे चलते हैं। विविड फ्लॉक, हमारा येल्लो के बाद रहता है लाइम। तो लाइम के लिए हमारे को कैक्टस को ढूंढना पड़ेगा, कैक्टस को ढूंढ के उससे हमारे को ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अरे उससे क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया, इतने दिन बाद खेल रहा हूँ। तो उसे कुक करना पड़ेगा, कुक करके उसका डाई बनेगा, फिर डाई को बोन मिल से लगाना है। तो फटाफट चलते हैं हम कैक्टस लेने के लिए। तो हमारा कहीं हमारा लाइम डाई कैसे बनेगा, लाइम डाई हमारा बनेगा ग्रीन डाई, मतलब कैक्टस को कुक करने के बाद। तो फटाफट चलते हैं कैक्टस फार्म की तरफ पे। कैक्टस फार्म कहीं जब एकदम ज़बरदस्त चल रहा है बहुत दिन से, मैं जस्ट समटाइम कभी कभी ऑनलाइन हो जाता हूँ, तब मैं मतलब ज़्यादा दिमाग का समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पर फटाफट चलते हैं कैक्टस फार्म के नीचे पे। और गाइस अगर आपने को देख कैक्टस फार्म की वीडियो नहीं देखी है, कैक्टस फार्म अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोग देख सकते हो वीडियो,
चैनल पर पड़ी हुई है, और थैंक्स फॉर द 1K व्यूज़ ऑन द गोल्डन स्पॉयलर क्वेस्ट, जो हमारा गोल्डन फार्म है, गोल्ड फार्म है, ठीक है। उसके बाद अभी के नेदर फार्म भी बनाया हुआ है, वो भी वीडियो देख सकते हो, चैनल पर पड़ी हुई है, और गाइस हमारा 109 एक्सपीरियंस है ये वाले वीडियो पर, ठीक है। तो हमारा 1K एक्सपीरियंस करने का टारगेट है, इंशाल्लाह करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि यार हमारा 10x10 करने का ये है रिक्वेस्ट है कि सारा आर्मर 10 करने का है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ग्रीन डाई ऑलरेडी हमारा कुक किया हुआ था। यहाँ पर क्या करते हैं, फर्निश पे रख देते हैं चेस्ट पे हमारा डाई 64 स्टैक एक्टर्स का, जिससे हमारा ग्रीन डाई बनेगा। तो फटाफट चलते हैं बॉक्स में रख देते हैं। हमारे पास आई थिंक सो लाइम है, लाइम डाई ऑलरेडी है, वो वाला रख देते हैं। उसके बाद हमारा क्वेस्ट कौन सा है, लेट्स सी फटाफट चेक कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेस्ट है लाइम के बाद पिंक डाई। तो पिंक डाई कैसे बनेगा, पिंक डाई बनेगा रेड डाई और ये मिला के, क्या बोलते हैं, रेड डाई और बोन मील मिला के। फटाफट हम क्वेस्ट में फिर से खोल लेते हैं, पिंक डाई बनाना है, करेक्ट है। तो फटाफट हम इन्वेंट्री में क्लिक करते हैं, हमारे पास रेड डाई रहता है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पिंक डाई हो चुका है बोन मील, और इससे हमारे पास ऑलरेडी 30 पिंक डाई रहता है। तो हम क्या करेंगे, वो पिंक डाई को रख देंगे चेस्ट पर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है हमारे को, तो पिंक डाई को भी रख देंगे। और उसके बाद हम फिर से इन्वेंट्री पर क्लिक करते हैं, क्वेस्ट पर फिर से जाते हुए वेट फ्लॉक पर, पिंक डाई की बात रहता है, सियान डाई। सियान डाई कौन सा रहता है, ज़रा सा देखो तो मैं, सियान डाई आई थिंक सो ग्रीन और लैपिस को मिला, ओके ग्रीन डाई और लैपिस को मिलाकर आपका बनता है सियान डाई। सियान डाई हमारे पास ऑलरेडी 20 है, हमने पहले ही बना लिया था, फिर अभी हम वॉइस ओवर के लिए फिर से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो पर डालना रहता है, करेक्ट है। क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से मतलब थोड़ी सी रिसर्च करनी रहती है, तो सियान डाई यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा डाई रहता है, लेट्स सी फटाफट चलते क्वेस्ट पे, यहाँ पर विविड फ्लॉक, सियान डाई के बाद रहता है हमारा पर्पल डाई। पर्पल डाई बनता कैसे है, पर्पल डाई थिंक सो ब्लू डाई और ग्रीन डाई, मतलब रेड डाई मिलाकर, ओके ये दो मिलाकर हमारा बनता है पर्पल डाई, ठीक है। आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सा डाई कैसा बनता है, ठीक है। आप लोग वहाँ से देख के आप लोग इजीली क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और गाइज हम 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखेंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, जो भी न्यू हो। बहुत सारे मतलब अराउंड 60% व्यूज़ यहाँ से आ रही है, मतलब 60-70% व्यूज़ हमारे को अनसब्सक्राइबर वाले से ही आ रही है। जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कर दो यार। तब रिक्वेस्ट पे चलते हैं फटाफट विविड फ्लॉक पर, और हमारा रहता है ब्राउन डाई। ब्राउन डाई के लिए हमारे को जाना पड़ेगा अपने कोको बीन के पास, थोड़ा सा फाइंड करके हमारा करके आना पड़ेगा। हम यार बहुत दिन बाद खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, आई थिंक सो हमने यहाँ पर रखा है, यप यहाँ पर रखा है हमारा कोको बीन। तो फटाफट कोको बीन का ये ले लेते हैं एक स्टैक पूरा, हमारे पास 56 ऑलरेडी रहता है। फटाफट से हम चलते हैं अपने इधर की तरफ, और यहाँ पर देख सकते हो इसके हमारा क्रीपर फार्म पीछे में था। क्रीपर फार्म की अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल बहुत बड़ी हुई है, जिससे हम अनलिमिटेड मनी अब बना सकते हो। अभी हम ग्राइंड वगैरह नहीं कर रहे हैं यार, क्योंकि अगर हम ग्राइंड करेंगे तो आराम से हम बिलीनियर बन जाएंगे एक दिन के अंदर, एक या दो दिन अगर हम थोड़ा सा अगर ज़्यादा खेलेंगे तो हम आराम से बिलीनियर बन जाएंगे इन क्यूब क्राफ्ट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों का कोको बीन से आपका ब्राउन डाई कैसे बनता है, तो फटाफट अपन शीप स्पॉनर लेते हैं, शीप स्पॉनर लेकर आपको बनाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, दिखाते हैं कि हमारा कैसे बनता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, और सारा डाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है। Years later. यहाँ पर हमने सारे शिप को डाई कर दिया, हमारा लास्ट आई थिंक सो बचा हुआ रहेगा, यहाँ पर शिप डाई नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शिप डाई यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेस्ट खोलते फटाफट, हम चलते हैं विविड फ्लॉक पे, विविड फ्लॉक पे हमारा ग्रीन डाई और रेड डाई बच जाता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यार, रेड डाई यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर रेड डाई तो हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी येलो हैं उसको रेड कर देते हैं, और यहाँ पर जितने भी बचे गए, अगर आपको मैं
अगर इस पर स्पेक्टेटर मोड अगर रहता है ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर आप लोगों को दिखा देता, आप लोग हंसने वाले थे। मतलब मैंने पूरे वर्ल्ड में ठीक है जितना भी हमारा एरिया था सारे में 20-20 शिप करके कर दिया, और 20-20 शिप करके हमारा शेयर वाला जो क्वेस्ट इसके बाद आने वाला है आपको भी हम दिखाने वाले हैं थोड़ा सा पूरा एंड तक देखिए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि हमारा क्या बोलते हैं कितने स्काई ब्लॉक कॉइन थे हमारे पास अभी इस वीडियो पे। अब तो हमारा मतलब अभी जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वहाँ पर जितने भी बिल 2,16,000 कॉइन हैं 797 ये वाला आप लोग अगर मेरे को लिख देते हो तो मतलब आप लोग डाई हार्ड स्काई ब्लॉक फैन है और मतलब अपने एंड तक वीडियो देखा है मुझे पता चल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर आ जाते हैं नेदर वर्ल्ड पे और यहाँ पर हम शीप को डाल देते हैं और यहाँ पर डाई कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आई थिंक थोड़ा सा ही बचा है तो रेड शीप रेड डाई फटाफट करते हैं पर एक तो यहाँ पर दूसरा भी डालते हैं तीसरा यहाँ पर चौथा ठीक है। और यहाँ पर जितने भी हमारे पास शिप है वो ये कर देते हैं स्पॉनर ओके। यहाँ पर हमारा आई थिंक सो रेड डाई वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओके। यहाँ पर है एक दो हमारा ग्रीन वाला आई थिंक कितना बचा है लेट्स सी। तो यहाँ पर से फटाफट स्पॉनर तोड़ देते हैं क्रॉस करके तोड़ना पड़ता है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि वो बंदा गिर गया वहाँ से नीचे क्योंकि यार मतलब क्या ही बोले जो नेदर रैक होती है भाई वो बहुत हमारा जो डायमंड का एक्स है वो ज़्यादा फास्ट है ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्रीन डाई रहता है तो आई थिंक सो कितने हमारे बचे हैं लेट्स सी थोड़ा सा देखता हूँ मैं। यहाँ पर पहले एक डाई करता हूँ ओके 11 बचे हैं ठीक है मतलब 9 और 8 बचे हैं। तो फटाफट यहाँ पर से इसको कर देते हैं डाई फिर से इसको भी करते हैं डाई फटाफट हम क्या करते हैं यहाँ पर जितने भी स्पॉनर है वो सारे लगाते हैं एक एक दो ओके 4 हमारे और बचे हैं। तो यहाँ पर फटाफट ये तोड़ देते हैं ओके। तो यहाँ पर फटाफट हम लगाते हैं इसके ऊपर ही लगाते हैं यार वो कॉन्क्रीट टूटेगा चलेगा ओके। यहाँ पर से ये डाई कर देते हैं एक और आ जा भाई जल्दी से ओके। थोड़ा सा यहाँ जाकर करते हैं आ जा भाई ओके आ गया एक दो और एक लास्ट वाला बच्चा है आ जाओ नहीं आएगा चलो यहाँ पर चल तोड़ देते हैं और एक यहाँ पर लगा देते हैं आ जा भाई ओके आ गया वाला स्पॉनर तोड़ देते हैं फटाफट ये वाला कंप्लीट करते हैं। और गाइस फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा विविड फ्लॉक वाला क्वेस्ट और आप लोगों को बता ही रहे थे कि हमारा दूसरा क्वेस्ट यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी टोटल 50 मिनट ये वाला रिकॉर्डिंग करते हुए लग चुका है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अलग से क्योंकि मैं हर सारे वीडियो माइनक्राफ्ट की वीडियो में वॉइस ओवर अलग से करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेस्ट क्या रहता है लेट्स सी आई थिंक सो गैदर अभी गाइस डार्क वो क्लॉक भी 10,000 हमारे को ये करना है। हमारा ये वाला नहीं था फ्रैग जाल भी नहीं था कौन सा क्वेस्ट है हमारा बॉल फ्लॉक हो सकता है यप बॉल फ्लॉक। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट क्वेस्ट आप लोगों को पता चल चुका है शेयर ऑरेंज मैजेंटा लाइट जो भी हमने किया है इसलिए मैं यहाँ पर से बचा कर रख रहा था। तो हमारे को नेक्स्ट क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है तो फटाफट अच्छे से प्यार देना ये वाली वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।